आपकी जोरदार तालियों के बीच जावेद अख्तर साहब और सैफ महमूद साहब को। आओ कि कोई ख्वाब बुने कल के वास्ते, वरना ये रात आज के संगीन दौर की डस लेगी जानो दिल को ऐसे कि जानो दिल ता उम्र फिर ना कोई हंसी ख्वाब बुन सकें। जुल्फों के ख्वाब, होठों के ख्वाब और बदन के ख्वाब, मेराज फन के ख्वाब, कमाल सुखन के ख्वाब, तहजीब जिंदगी के फरोगे वतन के ख्वाब, जिंदा के ख्वाब, कूचाए दारो रसन के ख्वाब, ये ख्वाब ही तो अपनी जवानी के पास थे, ये ख्वाब ही तो अपनी अमल की असास थे, ये ख्वाब मर गए हैं तो बेरंग है हयात, यूं है कि जैसे दस्ते तहे संग है हयात। ख्वातीनो हजरात, दोस्तों, ये ख्वाब बुनवाने वाला जादूगर और जिसने संगीन दौर में ख्वाब बुने भी और बुनवाए भी, वो था साहिर लुधियानवी। साहिर खुद ही जादूगर को साहिर का, जादूगर का माने ही साहिर हैं। और देखिए, ये बहुत ज़रूरी है कि एक जादूगर के बारे में बात करने के लिए, उसको परखने के लिए दूसरे जादूगर की ज़रूरत होती है, बल्कि ये कहिए कि जादू की ज़रूरत होती है। तो हमारी ऐन खुशकिस्मती है कि हमारे साथ आज जावेद अख्तर साहब तशरीफ़ रखते हैं। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा अपना पहला सवाल पूछने से पहले, वो ये कि जब संगीन दौर की बात हो रही है तो ये भी ज़रूरी है कि दो टोक बात की जाए, कुछ अलग बात की जाए, कुछ सच्ची बात की जाए, साफ साफ बात की जाए। और जावेद साहब तो खुद अपने बारे में ये कह चुके हैं कि जिधर जाते हैं सब जाना उधर अच्छा नहीं लगता, जिधर जाते हैं सब जाना उधर अच्छा नहीं लगता, मुझे पामाल रस्तों का सफ़र अच्छा नहीं लगता, गलत बातों को खामोशी से सुन लेना, सुनना हामी भर लेना, बहुत हैं फायदे इसमें मगर अच्छा नहीं लगता। जावेद अख्तर साहब, हुजूर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे, शुरुआत यहाँ से करना चाह रहा हूँ कि जिस ज़माने में साहिर लिख रहे थे, उस ज़माने में सारे ही गीतकार, सारे ही लिरिसिस्ट, सॉन्ग राइटर्स जो हैं बहुत अच्छा लिख रहे थे और बहुत कुछ बहुत अच्छा लिखा जा रहा था। बयक वक्त बॉलीवुड में, सिनेमा में ऐसे ज़बरदस्त गाने लिखे जा रहे थे जो आज भी सबकी ज़बानों पर हैं। कोई मेरे ख्याल से ये नहीं कह सकता कि कोई गीतकार उस ज़माने का कम अच्छा लिख रहा था या ज़्यादा, लेकिन ऐसे माहौल में साहिर का बोलबाला था। तो हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां और, तो ये और जो है साहिर में ऐसा क्या और था जो उनको बाकी सबसे ज़्यादा मकबूलियत मिली? बहुत मुनासिब सवाल है आपका, लेकिन आप इजाज़त दें तो इससे पहले मैं कुछ कहूँ। जी अच्छा, साहिर साहब से मेरा कुछ अजीब ही रिश्ता था। वो मेरे वालिद के और मेरे मामू के यानी मजाज के दोस्त थे। ज़ाहिर है कि मुझसे 20-25 साल उम्र में बड़े होंगे। मैं जब बम्बई गया तो 19 साल का था, और ये बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मेरी 20 साल 21 साल की उम्र की बातें, जब साहिर साहब अपने पिनिकल पे थे। कोई हैरत की बात नहीं है कि साहिर साहब इतने अच्छे सॉन्ग राइटर्स और इतने अच्छे शायरों के दरमियान फिल्मी दुनिया में चोटी पे थे, इसलिए कि पहाड़ कितना भी बड़ा हो उसकी एक चोटी तो होती है, तो कोई ना कोई उस चोटी पर होता है, और साहिर साहब थे। ये नज़्म जो आपने सुनाई, मुझे ख्याल नहीं था, मुझे मालूम नहीं था कि आप ये सेशन इस नज़्म से शुरू करेंगे। मुझे आज अच्छी तरह याद है कि जब ये नज़्म उन्होंने लिखी थी तो नज़्म उन्होंने मुझे सुनाई थी। मेरा उनसे अजीब ये रिश्ता था कि मैं महीने में एक बार या दो बार उन्हें फ़ोन करता था, और अगर वो फ्री होते थे, कोई और नहीं तो मुझे बुलाते थे, तो सिर्फ मैं और वो बैठते थे, हम लोग शराब पीते, मैं उनके सामने, मतलब उनके दोस्तों का बच्चा था, लेकिन उसके बावजूद वो मेरे साथ, हम बैठ के उनके साथ ड्रिंक करते थे, खाना खाते थे, मैं वही सो जाता था। इसलिए उनका घर एक ऐसी जगह था, आज तो वहाँ बड़ी गुंजान आबादी है, लेकिन 10 बजे के बाद वहाँ बस चलना वर्सोवा में बंद हो जाती थी और रात को वापस आना मुमकिन नहीं होता था। वर्सोवा में उनका बहुत बड़ा घर था। तो ये नज़्म उन्होंने मुझे सुनाई थी, वो हमेशा सुनाते थे, और मैं वो 20-21 साल की उम्र में ज़रा मसलियत इंसान में कम होती है, तो मैं साफ अपनी राय देता था उन्हें, और वो संजीदगी से मुझसे बहस भी करते थे, और कभी कभार शाज़ो नादिर मेरी बात मान भी जाते थे, आमतौर से नहीं मानते थे।
तो ये नज़्म जो उन्होंने मुझे सुनाई तो मुझे याद है कि मैंने उनसे कहा, इसलिए नहीं कि मैंने कहा, मगर उनके रिएक्शन से वो बड़े हैरान हुए उस रिएक्शन पे, कि मैंने उनसे कहा कि आपने बहुत बरवक्त नज़्म लिखी। तो कहले बरवक्त का क्या मतलब है? तो मैंने कहा आज ये दौर है, ये 60s था जब कम्युनिस्ट मूवमेंट भी ख़त्म हो चुका था, एक अजीब तरह का इंतशार आ रहा था कि किसी इंसान को किसी चीज़ पे 65-66 में भरोसा ही नहीं रहा है। कोई जो आप ख्वाब देखते हैं जब उम्मीद होती है, बग़ैर उम्मीद के आप ख्वाब नहीं दे सकते, जागते में अगर कोई उम्मीद है तो सोते में ख्वाब देखेंगे। तो किस्सा ये हुआ है कि हमारी उम्मीद ख़त्म हो गई है तो ख्वाब भी ख़त्म हो गए हैं, और ये नज़्म आपने सही वक्त पे लिखी है, आज इंसान इसी खालीपन से गुज़र रहा है। खैर ये तो उस वक्त की बात हुई। साहिल साहब का जो और है, जिसको हमारे यहाँ अंग्रेज़ी में एक वर्ड है करिश्मा, वो करिश्मा शायर में होता है, अदाकार में होता है, पेंटर में होता है, अदीब में होता है, सिंगर में होता है। यही बात हम लोग अभी कर रहे थे कि जो पेंटर्स हैं, नामवर पेंटर हैं भाई, वो तो पेंट तो सही करते हैं, वो शक्ल बिगाड़ तो नहीं देते, वो मंजर बिगाड़ तो नहीं देते। तो फिर क्या बात है वैन गॉग में कि वो दुनिया उस पर पागल है? क्या बात है मोने में कि जो उसने वाटर लिलीज बना दी कोई नहीं बना सकता है? अगर इसका जवाब मिल जाता और पता चलता कि क्या बात है, तो बहुत से लोग वैन गॉग हो जाते। वो जो और है वो पहले से नहीं मालूम होता है, वो जब आप देखते हैं तब कहते हैं हाँ ये और है। ये करिश्मा जो चीज़ है, अगर ये डिफाइन हो जाए तो करिश्मा रहेगी नहीं। साहिर को अब इंसान की आदत है कि हर बात का कोई जवाब ढूंढना ही चाहता है, तो चलिए हम लोग भी कोशिश करते हैं, लेकिन मुझे मालूम नहीं वो जवाब कितना सही होगा या हमारी जो एक्सप्लेनेशन है उसके करिश्मा की वो किस हद तक सही है। एक क्लैरिटी ऑफ थॉट, शायर ज़हनी तौर से नौजवान है, साहिर की सारी नज़में नौजवान की नज़में हैं, उसकी उम्र कितनी भी हो गई हो, वो शायरी पढ़ के आपको ऐसा नहीं लगता कि ये किसी 45 बरस के या 50 बरस के आदमी ने लिखी, वो आपको यही लगता है कि ये शायद अपने अर्ली 20s में ही है। तो वो यूथ से डायरेक्टली कनेक्ट करती है। दूसरे ये कि कोई एम्बिगुटी नहीं है, इबहाम नहीं है, और ख्याल क्लियर है। आज शायद उसकी ज़बान कई जगह पे थोड़ी सी लोगों को मुश्किल भी लगेगी, लेकिन आम तौर से उसकी शायरी जो है वो इतनी दुश्वार नहीं है कि आम समझ में ना आए। और उसकी वजह आप ये देखिए कि ये मजरूह साहब भी बहुत ही कामयाब सॉन्ग राइटर थे, लेकिन मजरूह शायर और मजरूह लिरिसिस्ट ये दो अलग लोग हैं, जिनकी पता नहीं कभी मुलाकात भी आपस में हुई है कि नहीं। ये दो अलग आदमी, जबान के एतबार से, स्ट्रक्चर के एतबार से, मेटाफर के एतबार से बिल्कुल अलग। साहिर की शायरी जो है वो तकरीबन बॉर्डर पे खड़ी हुई है फिल्मी गानों के अपने, और छूती रहती है उन्हें। तो साहिर की न जाने नज़मों के कितने बंद फिल्मी गानों में इस्तेमाल हो गए। मुझे मजरूह साहब के पूरे करियर में शायद उनकी 3 गज़लें वैसी की वैसी फिल्म वालों ने इस्तेमाल की हैं, हम भी खड़े हुए हैं गुनाहगार की तरह, और कई ख्वाब देख डाले यहाँ मेरी बेखुदी ने, और एक शायद कोई और गज़ल है उनकी, हाँ तेरा हाथ हाथ में आ गया तो चराग राह में चल गया। ये 3 गज़लें सारी ज़िंदगी में उनकी, एक 60 साल के करियर में ये 3 गज़लें इस्तेमाल हुई एज इट इज़। लेकिन आप उनकी जो गीतों की लैंग्वेज है और शायरी की लैंग्वेज, उसमें कोई कॉमनैलिटी नहीं पाते। साहिर एक है, साहिर की कितनी कितने गीत हैं जो आप ऐसे तहतुल लफ्ज़ वैसे पढ़ के सुना देंगे और लोग कहेंगे वाह वाह, वो धुन पे और म्यूज़िक पे मुनस्सर नहीं है।
उस लफ्ज में इतनी ताकत है कि काफी है। एक बात और भी है कि साहिर का हालांकि जो मजमुआ है तलखियां, वो मेरे ख्याल से 150 पेज इसका की किताब है, वो मजमुआ जो है, लेकिन कैनवस बहुत वाइड है, बहुत ही वाइड कैनवस है। उनकी शायरी में आपको जो है गज़लें, इस कदर रोमांटिक गज़लें, नज़में, गीत, डिसेंट, ऐसा ऐसा डिसेंट मिलेगा। और फिर अब आप देखिए, जब पैट्रिस लुमुम्बा का असासिनेशन होता है तो साहिर की क्या ज़बरदस्त साहब उस पर नज़म है वो, कि जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। चलो देख लेते हैं सच है कि नहीं जी। और लेकिन उसी के साथ साथ उनको फिल्मी मीडियम पे भी बहुत ज़बरदस्त उबूर हासिल था, बहुत ही जाने क्या तूने कही, जाने क्या मैंने सुनी, ऐसा ही आप इसको मेरी जसारत समझेंगे, ऐसा ही जो है वो आपके साथ भी है। आप जब फिल्मी गीत लिख रहे होते हैं और ज़बरदस्त एक से एक एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा कोई कह नहीं सकता कि ये वही शायर है जिसने ऐसे ऐसे डिसेंट की नज़में, ऐसी ऐसी गज़लें डिसेंट में जो है, जो बात कहते डरते हैं सब तो वो बात लिख, इतनी अंधेरी थी ना कभी पहली रात लिख, तो ये कैसे, ये शिफ्ट ऑफ गियर जो है ये कैसे होता है साहब? ये सब पापी पेट करवा लेता है सर। देखिए है क्या, जो फिल्म में गाना लिखना जो है वो अपने अंदर ना अच्छा काम है ना बुरा काम है। जैसे कि पोस्टर बनाना या कैलेंडर बनाना ना अच्छा काम है ना बुरा काम है, और पेंटिंग बनाना ना अच्छा काम है ना बुरा काम है, आपने किया कैसे ये अहम है। अगर आप एक अच्छी पेंटिंग बनाते हैं तो आप अच्छे पेंटर हैं, बुरी पेंटिंग बनाते हैं तो आपने बुरा काम किया है। आप एक अच्छा पोस्टर बनाते हैं तो आप अच्छे पेंटर। बुनियादी बात यह है कि कुछ भी करने के लिए बेहतर है कि आप अपने काम को ठीक से जानते हो, ज़रूरी है। जो फिल्म राइटर होता है वो कोई अजीम शायर होना ज़रूरी नहीं उसका, लेकिन उसमें वर्सटिलिटी बहुत चाहिए, उसके पास वोकेबलरी की कमी नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि एक तरह से वो लेटेंट एक्टर है, वो अपना ख्याल नहीं लिख रहा है, वो एक कैरेक्टर का ख्याल लिख रहा है। जैसे कि एक एक्टर जो डायलॉग बोल रहा है वो अपना ख्याल आपसे शेयर नहीं कर रहा, उस कैरेक्टर का कर रहा है। अगर वो शाइलॉक के डायलॉग बोल रहा है तो इसके मतलब नहीं है कि ये बहुत ख़राब आदमी है, अगर ये ओथेलो के डायलॉग बोल रहा है तो इसके मतलब नहीं है बहुत शक्की मिजाज है। ये उसने जिम्मेदारी ली है कि इस किरदार के जज्बात को मैं आप तक पहुँचाऊँगा। तो सॉन्ग राइटर या डायलॉग राइटर भी लेटेंट एक्टर्स हैं, उनको तरह तरह की सिचुएशन दी जाती है। गांव में किसान अपनी बारिश के लिए गा रहे हैं, एक रॉक ग्रुप है वो स्टेज पे गा रहा है, एक माँ बच्चे को सुलाने की कोशिश में लोरी गा रही है, एक कोई इंसान मंदिर में भजन गा रहा है और ईश्वर से कृपा मांग रहा है, एक कैबरे हो रहा है होटल में, एक यूथ यंग लड़का लड़की इश्क में है, एक आशिक अकेला दुखी गा रहा है हिजर में, अजीब अजीब सिचुएशन है, अजीब अजीब तरह की आती हैं। मैं ज़िंदगी में दो तीन तो सिचुएशंस ऐसी आई, मैं बताऊंगा आपको कि उसमें आपको पूरी वोकेबलरी, पूरा मेटाफर, पूरा स्टाइल आपको सोचना होता है कि जो कैरेक्टर स्क्रीन पर गाने वाला है उसका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, इंटेलेक्चुअल स्टेटस क्या है, ये कौन सी ज़बान इस्तेमाल करेगा, ये किस तरह की सिमली देगा, तो उसके अंदर आपको लिखना होता है। वो आपके अपने पर्सनल जज्बात का एक्सप्रेशन नहीं है। आप कामयाब सॉन्ग राइटर हैं अगर आप जिस कैरेक्टर के लिए गाना लिख रहे हैं उसके जज्बात की सही तर्जुमानी कर दें। कैफी साहब फरमाया करते थे कि फिल्मों में तो ये होता है कि साहब इस तरह से कि आपने कब्र पहले खोद ली है उसके बाद आप मुर्दा ढूंढ रहे हैं उस साइज का। ये भी सही है, लेकिन ये भी सही है कि जब आप गजल लिखते हैं तो पहला शेर लिखने के बाद आपने बहर भी तय कर ली और काफिया भी तय कर लिया और रदीफ भी तय कर लिया, अब इसी के अंदर लिखना। तो बहरहाल कोई भी आर्ट है उसमें सर्टन कंडीशनिंग्स तो होंगी, कोई भी आर्ट हो आप अपने को कमिट कर लेते हैं ज़रा से आगे बढ़ के, फिर वो कमिटमेंट आपने खुद किया है या आपने किसी ने आपको दिया है वो अलग बात। एक कैफी साहब का कि एक राइटअप है
ساحر پہ غالباً شمع میں چھپا تھا اس سے ایک بہت چھوٹا سا میں اقتباس پڑھنا چاہتا ہوں آپ بار بار ریفرنس ایسے دے رہے ہیں کہ جہاں میں اپوز بھی نہیں کر پاؤں گا اب آپ سمجھ گئے وہ وکالت والی جو بات ہو رہی ہے کچھ بھی کہیں گے تو میں کہوں گا ہاں یہ بات تو صحیح نہیں بھائی مجھے گھر بھی جانا ہے کیفی صاحب نے لکھا ہے کہ آج کل فلمی دنیا پر جتنے یہ 1960s کا لکھا ہوا ہے کہ آج کل فلمی دنیا پر جتنے خطرات منڈلا رہے ہیں ان میں ساحر لدھیانوی سب سے شدید معلوم ہوتے ہیں معلوم نہیں گیت لکھتے لکھتے وہ کس وقت پروڈیوسر یا ڈائریکٹر ہو جائیں جب میں پہلی بار ان سے ملا تھا اس وقت وہ شاعر تھے اور غالباً جب آخری بار ملوں گا اس وقت بھی وہ صرف شاعر رہیں گے اس لیے نہیں کہ ان کی صلاحیتیں شاعری تک محدود ہیں مگر اس لیے کہ اس کو کیا کیجئے کہ ڈائریکٹری پروڈیوسری یا اس نوعیت کی کسی بھی شعبے میں اتنی قوت نہیں کہ وہ ساحر کو مستقلاً زیر کر سکے اور اگر ساحر صاحب آج حیات ہوتے تو جس طرح کی ڈیمانڈز ہیں فلمی گیت کی تو کیا وہ بے روزگار ہوتے یا ڈائریکٹر بن گئے ہوتے اب یہ تو اندازہ مشکل ہے کہ پھر زمانہ کدھر جاتا ٹرینڈ کیسے جاتے اگر وہ لوگ موجود ہوتے آج گرودت ہوتا تھا کہ وہ گرودت اپنی فلم میں کیا سرکائلے کھٹیا گانا لیتا کہ نہیں لیتا تو وہ اب وہ سب سوچنا تو بیکار ہے لیکن صحیح یہ ہے کہ ساحر آپ دیکھیے جو کام کرتے ہیں اگر آپ کے اپنے ہی دل میں اس کام کی عزت نہ ہو تو آپ اچھی طرح نہیں کر سکتے آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ یہ کام جو میں کر رہا ہوں یہ کام بہت اچھا ہو سکتا ہے دراصل کام کوئی چھوٹا نہیں ہوتا کچھ کام کرنے والے چھوٹے ہوتے ہیں تو جب ساحر جیسا آدمی یا کیفی جیسا آدمی یا مجروع جیسا آدمی یا شیلندر جیسا فلم کا گانا بھی لکھے گا تو اس کو بڑا کر دے گا بڑا آدمی جس کام کو ہاتھ لگاتا ہے وہ بڑا ہو جاتا ہے اور چھوٹا آدمی بڑے کام کو بھی نیچے لے آتا ہے ساحر کے کلام میں اکثر دیکھا گیا ہے اور گیتوں میں بھی کہ انہوں نے نیچر کا بہت ذکر کیا ہے گیتوں میں اپنے نیچر کا بہت پربتوں کے پیڑوں پر شام کا بسیرا ہے سرمئی اجالا ہے چمپئی اندھیرا ہے اس طرح کی چیزیں اور بھی بہت ساری لیکن آج کل مجھے لگتا ہے کہ اس طرح کے گیت نہیں لکھے جا رہے ہیں جس میں نیچر کا کوئی بہت زیادہ ذکر ہو یا ساحر صاحب کا نیچر سے بہت دلچسپ رشتہ تھا اب دیکھیے یہ میں بہت ان کے ٹریڈ سیکرٹ آپ کو بتا رہا ہوں یہ میں نے آبزرو کیا انہوں نے مجھے بتایا تھوڑی تھا وہ جب انہیں لگتا تھا کہ گانے میں کوئی نیا اینگل نہیں ہے کوئی ایسا اچھوتا اینگل نہیں ہے جیسے کہ ان کے کئی گانوں میں ہے تم مجھے بھول بھی جاؤ تو یہ حق ہے تم کو میری بات اور ہے میں نے تو محبت کی اب یہ نیا اینگل نئی بات ہے یا تم اگر مجھ کو نہ چاہو تو کوئی بات نہیں تم کسی اور کو چاہو گی تو مشکل ہوگی اب یہ ایک برانڈ نیو بات وہاں ان گانوں میں آپ کو ساحر کے نیچر نہیں ملے گا جب ساحر کو لگتا تھا میرا یہ میرا آبزرویشن ہے ایز اے رائٹر اور ریڈر کہ اینگل میں کوئی نیا پن نہیں ہے تو وہ اسے وستار دے دیتے تھے اس میں نیچر کو ساتھ لے آتے تھے وجہ کیا ہے کہ نیچر کے بغیر عشق جو ہے وہ بہت ہی معمولی کام ہے تم نے کہا میں نے کہا میں نے کہا تم نے کہا بھائی اتنا ہو گیا تم میں تم مگر ساحر اس میں نیچر ڈال کے اس کو ڈانس آف دا یونیورس بناتا تھا کہ آپ دیکھیے پیڑوں کی شاخوں پر سوئی سوئی چاندنی تیرے خیالوں میں کھوئی کھوئی چاندنی اور تھوڑی دیر میں تھک کے لوٹ جائے گی رات یہ بہار کی پھر کبھی نہ آئے گی اب یہ آ جا ابھی زندگی ہے جماں کہنا اسے صرف اتنا ہے آ جا ابھی زندگی ہے جماں کام کی بات یہ ہے مگر اب اس میں جب چاندنی کا آیا موجوں کے ہونٹوں پہ دھیما دھیما راگ ہے تیرے خیالوں میں ٹھنڈی ٹھنڈی آگ ہے اس حسین آگ میں تو بھی جل کے دیکھ لے زندگی کے گیت کی تو دھن بدل کے دیکھ لے تو بڑی بات لگتی ہے الٹیمیٹلی کہہ رہا آ جا بات تو یہی ہے نا مگر جب اس میں آپ نیچر شامل کر دیتے ہیں تو وہ دو انسانوں سے بہت بڑی بات ہو جاتی اور ساحر نے ہمیشہ نیچر کو بیلنس کر کے استعمال کیا ہے کہ جہاں ایک طرف انسان اور جسم ہے دوسری طرف نیچر کی پیورٹی اور ایتھیریل کوالٹی ہے
तो उससे वो गाना कहीं का कहीं पहुंच जाता है. एंड ही हैज यूज्ड इट. मेरा ऐसा यकीन है, इत्तेफाक नहीं हो सकता है कि हर बार जब एंगल में कोई नयापन नहीं है तब वो नेचर लाता है, जब एंगल नया मिल जाता है तो नेचर को भूल जाता है. तो आजकल कौन सा एंगल मिल रहा है साहब? भाई अभी देखिए, अभी नेचर को लोग ही भूल गए हैं जी. आज मतलब आप मुझे बताइए कि इतने लोग हम बैठे हैं इंक्लूडिंग मी, आखिरी बार हमने 14वीं का चांद कब देखा था आसमान पे? हमने कब पेड़ों के बीच में से जो हवा गुजरती है तो एक आवाज होती है, वो कब सुनी थी हमने? कोई झरने के पास थोड़ी देर बैठ के आंखें बंद कर ली थी, ये कब हुआ था? हमारा नेचर से वास्ता ही टूट गया है. पहले बर्ड्स होती थी, फूल होते थे, बाग होते थे, आसमान होता था, नदियां होती थी, झरने होते, इसलिए कि इंसान का कनेक्ट था उससे. अब इंसान का कनेक्ट नेचर से खत्म ही हो गया है, वो एक सीमेंट जंगल में रह रहा है. तो अब वो गाना आप चांद बोलेंगे, चांदनी बोलेंगे, उसने आज तक, अब चांदनी इतने पोल्यूशन में कहाँ देखने वाली है? तो उसे पता ही नहीं है, उसका कोई संबंध ही, नेचर से टूट गया संबंध, तो वो गाने में भी चला गया. इसमें कोई डिमांड और सप्लाई का भी मामला है साहब? आजकल किस किस्म के गाने लिखे जा रहे हैं? डिमांड और सप्लाई की बात नहीं है, ये गाने जो हैं इस सोसाइटी ही में लिखे जा रहे हैं, ये इस सोसाइटी का अंग है, ये इस सोसाइटी का ही हिस्सा है. जो सोसाइटी में जहर फैलेगा तो हर अंग में जाएगा, जिसमें जब जहर फैलता है वो यहाँ भी आएगा. ऐसा नहीं हो सकता कि एक हिस्सा बिल्कुल सेफ बैठा रहे बाकी चारों तरफ गड़बड़ हो नहीं सकता. एक सागर खयामी साहब का एक कता है कि दिल दिल लुटे जा को मिटे, खासा जमाना हो गया, ख़त्म दुनिया से मोहब्बत का फसाना हो गया. और झुककर कहा ये टैगोर ने इकबाल से, इलू इलू हिंदुस्तान का कौमी तराना हो गया. तो भरा एक में दूसरे आस्पेक्ट तो ये शिकायत आपको हिंदुस्तान से होनी चाहिए ना, इलू से नहीं जी. ये सवाल ये है कि इस तरह के गाने तो पहले भी लिखे जाते थे और लिखे जाते रहे होंगे, ऐसा थोड़ी है कि उस वक्त सिर्फ लिटरेचर ही प्रोड्यूस हो रहा था. मगर चोली के पीछे क्या है जैसा गाना, घरों में माँ बाप अपने बच्चों को दिखाते नहीं थे, ये देखिए मेरी बच्ची कितना अच्छा डांस करती है उस पर, 25 बार मैंने देखा, ये नहीं होता था. तो जो आप प्रॉब्लम है ना, ये गाने का नहीं है, ये सोसाइटी का है. वही मेरा मतलब था डिमांड और सप्लाई से. अब एक दूसरे एस्पेक्ट की तरफ मैं आना चाह रहा था आपके, कि साहिर ने आम आदमी का जो दुख है, जो आम आदमी की पीड़ा है, एक्सप्लॉयटेशन जो है कॉमन मैन का, उसके बारे में बहुत कुछ लिखा. और सिर्फ अपनी नज़मों में या मेन स्टेज मुशायरे की शायरी में नहीं, बल्कि गीतों में भी बहुत कुछ जो है उसके बारे में उन्होंने लिखा है. अब चलिए, आपने कहा तो मैं एक गीत ज़बानी ऐसे ही सुना जी. अच्छा, जो सोशल इनजस्टिस के बारे में जी एक फिल्म में साहिर ने लिखा था. अब ये पोइट्री है, इसको आप कागज़ पर लिख दिए, कि बहुत खूबसूरत नज़्म है ये साहब भी कुछ कह रहे हैं वैसे. लेकिन आप तो मेरी सुनिए ना. देखिए गीत है ये, दो कलियां दो बूंदें सावन की, दो बूंदें सावन की, एक सीपी की कोख में टपके और मोती बन जाए, दूजी गंदे जल में गिरकर अपना आप गंवाए, किसको मुजरिम समझे कोई, किसको दोष लगाए. दो कलियां गुलशन की, एक सेहरे के बीज गुंधे और मन ही मन इतराए, दूजी अर्थी भेंट चढ़े और धूली में मिल जाए, किसको मुजरिम समझे कोई, किसको दोष लगाए. दो सखियां बचपन की, एक सिंहासन पर जा बैठे रूपमती कहलाए, दूजी अपने रूप के कारण गलियों में बिक जाए, किसको मुजरिम समझे कोई, किसको दोष. ये फिल्म का गाना है. आप ये देखिए, ये किसी भी किताब में आप छाप दीजिए कविता की तरह, कौन इतराज करेगा जी. और ऐसे कितने उसके गीत हैं जो आप ऐसे सुनिए और वाह वाह कीजिए. और
بہت ساری ایسی سوشلسٹ شاعری، فیمنسٹ شاعری، اس زمانے میں فیمنزم کے بارے میں بہت لوگ باتیں کر رہے تھے، مجاز، کیفی، سب لوگوں نے لکھا تیرے ماتھے پہ یہ آنچل بہت ہی خوب ہے لیکن تو اس آنچل سے ایک پرچم بنا لیتی تو اچھا تھا، یا اٹھ میری جان میرے ساتھ ہی چلنا ہے تجھے. ساحر جو ہے وہ بالکل دو ٹوک بات کر کے اور کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں تقدس کو تمدن کا فریب، تم رسومات کو ایمان بناتی کیوں ہو. تو یہ جو ایک بے باکی تھی ساحر میں، اور وہ بھی اس طرح کی چیزوں کے بارے میں جس میں یوزولی نارملی جو ہے اس وقت کا شاعر بھی اتنے کھل کے نہیں کہہ رہا تھا، اس کے بارے میں کچھ بتائیں. ارے ان کا گیت ہے، عورت نے جنم دیا مردوں کو، مردوں نے اسے بازار دیا. وہ پورا آپ گیت سنیے، جو پوری نظم ہے وہ ویمن ایکسپلائٹیشن جو ہے، ریپریشن جو ہے، جو ان کو اس پہ جو ڈیٹیل ہے وہ اٹس اے ویری لانگ پوئم جسے گیت بنایا ہے. اور یہ بھی ہمت ہے بھائی بی آر چوپڑا کی کہ اتنے لمبے گیت کو جو ڈپینڈ نہ ٹیون پہ کر رہا ہے نہ سنگنگ پہ، وہ تو بہت ہی ایک معمولی سا ترنم ہے اور اس میں انہوں نے اس پورے گانے کو رکھا ہے جس میں پانچ یا چھ بند ہیں، اٹس اے لانگ سانگ، مگر اس میں یہی بات بڑے کھل کے اور بڑے بے باک الفاظ میں کہی گئی. وہ شاید یہ بھی ایک تھا ان میں، وہ کیا ہے کہ ایک شعر ان کا، ایک غزل کا ہے کہ فقیر شہر کے تن پر لباس باقی ہے، فقیر شہر کے تن پر لباس باقی ہے، امیر شہر کے ارما بھی کہاں نکلے. واہ واہ واہ، بہت واہ. تو وہ جو ایک تلخی تھی، ان کی کتابی کا نام تلخیاں تھا، اور وہ جو سرکازم تھا اور وہ جو وٹ کی شارپنس تھی وہ کہیں دل کو لگتی تھی. اور ایک بہت ناولٹی بھی تھی تھاٹ میں. اب دیکھیے تاج محل کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ چمنزار، یہ جمنا کا کنارہ، یہ محل، یہ منقش در و دیوار، یہ محراب، یہ طاق، ایک شہنشاہ نے دولت کا سہارا لے کر ہم غریبوں کی محبت کا اڑایا ہے مذاق. ایسے ہی آپ نے انارکلی کے مزار کے بارے میں پوری کی پوری ایک نظم لکھ ڈالی ہے. اچھا ویسے آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ بالکل سچی بات ہے کہ جب یہ نظم ساحر نے تاج محل پہ لکھی تھی، جو کہ آج بھی تاج محل پر اس سے بہتر نظم نہیں لکھی گئی، اب لکھی بھی نہیں جا سکتی، اس لیے کہ جو سب سے زیادہ ڈائنمک اینگل ہے وہ ساحر نے کور کر لیا. ساحر نے جب یہ نظم لکھی تھی تب تک تاج محل دیکھا نہیں تھا، یہ بنا دیکھے لکھی. دو ساحر کی دو نظموں پہ میں خاص طور پہ آپ سے کچھ چھوٹا سا ایک تبصرہ چاہ رہا تھا. ایک تو پرچھائیاں، میرے خیال سے اردو کی طویل نظمیں جو ہیں ان میں سے ایک یہ نظم، واحد نظم جس نے ساحر کو اردو کے چیدہ چیزہ اساتذہ کے ساتھ لا کے کھڑا کر دیا، اس ایک نظم نے. اور دوسری کی ثنا خان تقدیس مشرق کہاں ہیں، جس کو پیاسا میں جو ہے آسان کر کے جنہیں ناز ہے ہند پر وہ کہاں ہیں کر دیا گیا ہوتا. اور آپ کو لگتا ہے کیا کہ یہ نظمیں جو ہیں، خاص طور پہ ثنا خان تصدیق مشرق کہاں ہیں، کیا یہ آج بھی ویسے ہی ریزونیٹ کرتی ہے 50-60 سال کے بعد جب وہ لکھی گئی تھی تب؟ دیکھیے یہ بات بڑی خوشی سے کہی جاتی ہے کہ جو نظمیں ساحر نے لکھی ہیں، جو افسانے منٹو نے لکھے ہیں، جو کہانیاں عصمت نے لکھی ہیں، جو شاعری ترقی پسند تحریک میں ہوئی ہے وہ آج بھی ویلڈ ہے، یہ کوئی خوشی کی بات نہیں، یہ بہت دکھ کی بات. جی اس کے مطلب یہ ہے کہ وہ تمام مجبوریاں، وہ تمام محرومیاں، وہ تمام ظلم، وہ تمام ستم آج بھی ہے، تو پوئم پرانی نہیں ہو رہی. اگر یہ سب کچھ ہسٹری ہو گیا ہوتا تو یہ پوئمز بھی پرانی ہو جاتی، لیکن افسوس یہ ہے کہ پوئمز آج بھی ریلیونٹ. میرے خیال سے آپ کو ازبر ہے یہ تو ثنا خان تقدیس مشرق کہاں ہیں، جی کچھ تو آپ اگر آپ ارشاد فرمائیں. نہیں میں آپ کو، آپ نے پرچھائیاں جس کا ذکر، پرچھائیاں اس کے کچھ کیا کیا، وہ ایک بہت لمبی نظم ہے پرچھائیاں، وہ آپ لوگ کو ملے تو ضرور پڑھیے گا، اور اس کی زبان بھی سمپل ہے کہ جس میں اس نے ایک پوری وار کا ڈسکرپشن دیا ہے کہ کس طرح زندگی پہ، گاؤں پہ، شہر پہ، دو محبت کرنے والوں پہ جنگ جو ہے کس طرح سے ستم کرتی ہے. اور جنگ تو ختم ہو جاتی ہے کچھ عرصے کے بعد، لیکن اس کے اثرات کب تک رہتے ہیں اور کیسے رہتے ہیں. بہت خوبصورت نظم ہے کہ جی اب شروع سے کہاں سناؤں، بڑی لمبی نظم ہے، کچھ میں سوچ رہا تھا کون سا حصہ سنا دوں اس کا، اب مجھے تو پوری یاد ہے تو پھر آپ پریشان ہو جائیں گے. تو
कि जो तबाही जंग की जब हो गई है और वो लवर्स अलग हो गए हैं उसमें वो हिस्सा बताता हूँ. तुम्हारे घर में कयामत का शोर बरपा है, महाज़े जंग से हर कारा तार लाया है. वो जिसका जिक्र तुम्हें जान से भी प्यारा था वो भाई नर गए दुश्मन में काम आया है. मैं शहर जाके हर एक दर पे झांक आया हूँ, किसी जगह मेरी मेहनत का मोल मिल न सका. सितमगरों के सियासी कुमार खाने में अलम नसीब फरासत का मोल मिल न सका. वो रह गुजर जो मेरे दिल की तरह सुनी है, न जाने तुमको कहाँ लेके जाने वाली है, न जाने तुमको कहाँ लेके जाने वाली है. तुम्हें खरीद रहे हैं ज़मीर के कातिल, उफक पे खून तमन्नाए दिल की लाली है. हर एक मोड़ पे बर्बादियों के जमघट हैं, हर एक गांव पे बर्बादियों की बदनामियों के मेले हैं. न दोस्ती न मोहब्बत न दिलबरी न खलूस, किसी का कोई नहीं आज सब अकेले. तुम आज हजारों मील यहाँ से दूर किसी तनाई में या बज़्म तरब आराई में मेरे सपने बुनती होगी बैठी आगोश पराई में. और मैं सीने में गम लेकर दिन रात मशक्क़त करता हूँ, जीने की खातिर मरता हूँ. अपने फ़न को रुसवा करके अग्यार का दामन भरता हूँ. मजबूर हूँ मैं, मजबूर हो तुम, मजबूर ये दुनिया सारी है. तन का दुख मन पर भारी है. और ये नज़्म जैसे खत्म होती है जी के गुज़श्ता जंग में घर ही जले, मगर इस बार अजब नहीं कि ये तन्हाइयां भी जल जाए. गुज़श्ता जंग में पैकर जले, मगर इस बार अजब नहीं कि परछाइयां भी जल जाए. यहाँ खत्म होती है. बहुत अच्छी बात. साहिर से आपका एक ज़ाती ताल्लुक भी रहा बहुत दिनों, और ये उस पर मैं एक आध सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि एक तो ये मैं पूछना चाह रहा हूँ इन सब की तरफ से कि परछाइयाँ आपने पढ़ी और भी कुछ गीत आपने सुनाए, ऐसी कोई नज़्म या कोई गीत साहिर का जिसने आपको इतना इम्पैक्ट किया हो कि आप समझते हो कि भाई काश ये मैंने लिखा होता. ऐसे तो बहुत हैं, एक नहीं बहुत से गीत साहिर के ऐसे हैं जिनको सुन के मेरा ख्याल से कोई भी सॉन्ग राइटर सोचेगा कि काश ये मैंने लिखा होता. और मन रे तू काहे नधीर धरे, वाह वाह वाह, क्या गीत सुनिए. मन रे तू काहे नधीर धरे, वो निर्मोही मोह न जाने जिनका मोह करे. मन रे तू काहे नधीर धरे, उतना ही उपकार समझ कोई जितना साथ निभा दे. जन्म मरण का मेल है सपना, ये सपना बिसरा दे. कोई न संग मरे, मन रे तू काहे नधीर धरे. इस जीवन की चढ़ती ढलती धूप को किसने बांधा, रंग पे किसने पहरे डाले, रूप को किसने बांधा. काहे ये जतन करे, मन रे तू काहे नधीर धरे. क्या अब जरा ये देखिए कि साहिर ने जब हिंदी लिखी है और बहुत बार लिखी है तो कैसी हिंदी लिखी, कैसी परफेक्ट सॉफ्ट, कान को एक वर्ड बुरा नहीं लगेगा आपको. उर्दू शायरों में एक खूबी होती है फोनेटिक्स का, उन्हें बहुत ख्याल होता है. वो कभी ऐसी लफ्ज नहीं इस्तेमाल करेंगे जो खटके कान को, उसको स्मूथ कर देते. अभी तो आपने पूरा ये हिंदी प्योर हिंदी है, मगर कहीं कोई वर्ड आपको ऐसा कि बाहर निकल गया ऐसा नहीं लगेगा. यहाँ आके कान को चोट लगी ऐसा नहीं लगे, स्मूथ. आज से जन्म है अंग लगा लो, जन्म सफल हो जाए. देह की पीड़ा मन की अग्नि, सब शीतल हो जाए. क्या 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 कैसे कैसे. और फिर एक अच्छी बात एक मरतबा उन्होंने बताई, जब उनका वो है, ना तो कारवां की तलाश है ना तो हम सफ़र की तलाश है, मेरे शौक़ के खाना ख़राब को तेरी रह गुज़र की तलाश. उर्दू देखो क्या है, मेरे शौक़ के खाना ख़राब को, या जिस घड़ी मेरी निगाहों को तेरी दीद हुई वो घड़ी मेरे लिए इश्क की तमहीद हुई. अरे तो उर्दू का इंटरमीडिएट का लड़का नहीं समझेगा. तो मैंने उनसे कहा साहिर साहब ये कैसे आप जबान कभी कभी इस्तेमाल कर देते हैं.
खुदाए बरतर तेरी जमी पर जमी की खातिर ये जंग क्यों है, हर एक फतहो जफर के दामन पे खून इंसान का रंग क्यों है। तो उन्होंने अच्छी बात बताई मुझे, कहले देखो जरूरी नहीं है कि दोनों लाइनें आदमी की समझ में आए, अगर एक लाइन वो समझ जाता है तो समझ जाता है कि क्या बात हो रही है, लेकिन अगर उसे दोनों लाइनें नहीं समझ में आई तो एलिनेट हो जाए, उसे कम से कम एक लाइन समझ में आनी चाहिए। ये सही बात है जी। हाँ। कोई ऐसा जैसे आजकल तो थोड़ा ज्यादा हो गया, आजकल तो दोनों लाइनें समझे बगैर लोग बात मान लेते हैं। कोई ऐसा जाती वाकया जिससे ये पता चलता हो कि साहिर इंसान कैसे थे? हम लोग अभी तक साहिर एज अ लिरिसिस्ट एज अ पोएट बात कर रहे थे, बट व्हाट काइंड ऑफ अ मैन वाज साहिर? अच्छा, उनको अपनी पॉपुलैरिटी का जो है कुछ ये था कि साहब उनको पता था कि मैं इतना पॉपुलर हूँ? अब इतने मासूम तो नहीं थे ना कि उन्हें यही नहीं मालूम कि मैं पॉपुलर हूँ। ऐसा कैसे हो सकता भाई, आदमी पॉपुलर, ये अलग बात है कि वो कितना इजहार करे ना करे, उस पर घमंड दिखाए ना दिखाए, दिखाते लेकिन ये कि अब मुझे तो नहीं दिखाते थे तो मेरा प्रॉब्लम नहीं हो, किसी को दिखाते भी होंगे और कभी कभी शायद दिखाना भी पड़ता होगा। मगर ये कि वो एक बड़े पैराडॉक्सिकल आदमी थे, वो मैं साहिर के बारे में कहूँ वो बहुत अच्छे आदमी थे, इससे ज़्यादा बोरिंग बात उनके बारे में की नहीं जा सकती। ही वॉज अ वेरी पैराडॉक्सिकल, ही कुड बी सो गुड कि जिसका कोई हद नहीं है, एंड ही कुड बी सो बैड और सो विकेड जिसकी कोई हद नहीं है। तो वो ये पेंडुलम था, मूव करता था, कभी इधर चले गए कभी उधर चले गए। जिंदगी देखिए क्या है कि वो उन्हीं का शेर है कि दुनिया ने तजुर्बा तो हवादिस की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया है वो लौटा रहा हूँ मैं। तो साहिर को जिंदगी में जो मिला, इत्तेफाक तो नहीं है कि उसके मजमुए का नाम तलखियाँ था। कोई खाते पीते घराने का, आराम से मोहब्बत पाने वाला, सुकून की जिंदगी गुजारने वाला शायर तो अपनी किताब का नाम तलखियाँ नहीं रखेगा, हो नहीं सकता है। तो उनकी भी जिंदगी जो है वो कुछ अजीब अजीब तूफानों से और मुश्किलात से गुजरी है कि जिसका वो बिटरनेस, जिसका हर्ट उनके अंदर आखिर वक्त तक रहा। एक तरफ एक बाप जो कि बहुत अमीर आदमी था, बहुत बड़ा जागीरदार था, और उस बाप के होते ये इंतहाई गरीबी में जिंदगी गुजार रहे थे, इसलिए कि जब माँ और बाप अलग हुए तो कोर्ट में मामला चला गया। बाप जागीरदार थे, उन्होंने पता नहीं कितनी शादियां की थी, लेकिन बेटा एक ही हुआ था साहिर, बाकी बेटियां थीं। अब जागीरदार को तो साहब अपनी जागीर के लिए बेटा चाहिए, तो केस हो गया कि बेटा जो है ये बाप को मिलेगा कि माँ को मिलेगा। और अल्टीमेटली कोर्ट में 8 साल के बच्चे को बुलाया गया और उसने कहा मैं अपनी माँ के साथ रहूँगा, तो वो बाप से दूर हो गया। अब इतने बड़े बाप का बेटा जो बहुत बड़ा जागीरदार था, ये एक गरीबी में मुफलिसी में अपनी माँ के साथ पला। माँ ने अपनी ज़िंदगी इसके लिए वक्फ कर दी, माँ ने किस तरह से पाला वो आप उसकी शायरी में कहीं कहीं दिखाई देता है। तू मेरे साथ रहेगा मुन्ने जो नज़्म है, ये साहिर की माँ के अल्फाज हैं जो साहिर ने लिख दिए। साहिर की ज़िंदगी में उनकी माँ जितनी इम्पोर्टेंट थी वो अनइमेजिनेबल है, मैंने कभी देखा ही नहीं। आप में से हर एक अपनी माँ से मोहब्बत करता है, लेकिन इतना मजबूर है माँ के सामने, हैरत होती थी। और कौन आदमी जो इतना खुद एतमादी का आदमी है, बड़े से बड़े प्रोड्यूसर से, डायरेक्टर से, स्टार से झगड़ा लेता है, म्यूजिक डायरेक्टर से झगड़ जाता है, खड़ा हो जाता है कहीं भी, ये हिम्मत थी उसमें, मिनिस्टर्स के सामने खड़े होकर बोल देता था कुछ भी। वो आदमी माँ से उसका क्या रिश्ता था कि एक लंबा सा घर था वर्सोवा में, ड्राइंग रूम, फिर एक कमरा, फिर एक कॉरिडोर, फिर माँ का कमरा। तो एक एंड पे माँ का कमरा था और एक एंड पे ड्राइंग रूम। अब हम ड्राइंग रूम में बैठे हैं, बल्कि हम क्या, मैं बैठा हूँ इसलिए कि वो तो बैठते नहीं थे। साहिर साहब 5 घंटे, 4 घंटे, 3 घंटे कितनी देर वो शराब पी रहे हो, खड़े होके पीते थे, बैठ के नहीं। वो टहलते रहते थे, खड़े रहते थे, मगर शराब पीते वो तो बैठते नहीं थे, बस उनकी आदत थी। अब अजीब भी लगता था कि हम बैठे हुए हैं, हमारे बड़े हैं भाई, वो टहल रहे हैं,
यहाँ खड़े हो गए, यहाँ खड़े हो गए, यहाँ खड़े हो गए, ग्लास हाथ में, बैठते नहीं। अब बातचीत हो रही है तो कोई बात मैंने उनसे कही या किसी ने भी कही कि साहिब साहब ये तो आपका बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है, सही बात है, बिल्कुल आजकल यही हो रहा है। तो एक तो अपने को फकीर बोलते थे अक्सर, अब दूसरे दूसरों को बोलते हैं, वो खुद ही को बोलते थे। तो अब फकीर के दिमाग में एक बात आ गई, कह दी भाई तुम लोग को अच्छी लगी, बड़ी बात है, खुशी हुई मुझे तो कि तुम्हें पसंद आई ये बात, यहाँ कह दिया, अब हम फिर बात चल रही है। ही वुड वॉक आउट इन हाफ अ मिनट, क्रॉस द होल हाउस, गो टू द मदर। माँ अपने कमरे में बैठी कुछ कर रही हैं, उन्हें कुछ नहीं मालूम ड्राइंग रूम में क्या डिस्कशन चल रहा था, ग्लास हाथ में है उसके, वहाँ माँ को बताएगा, माँ जी वो ये बातचीत चल रही थी तो मैंने ये कहा, तो वो लोग कहने लगे कि भाई ये तो बड़ी कमाल की बात कह दी, ऐसी तो कोई कमाल की थी नहीं। तो माँ कहे नहीं बेटा है तो बहुत अच्छी बात कही तूने, बहुत सही है, बहुत अच्छा सही है, फिर वापस आ जाए। कोई भी बात है ये, यानी इट कैन बी फनी वंस, मगर ये एक 40-45 साल के कामयाब आदमी पे ये ग्रिप हो माँ की, ये मैंने देखा नहीं है। ही हैड टू टेक द कन्फर्मेशन फ्रॉम द मदर, वो जिंदगी में कहीं अकेले जा नहीं सकता था। आप लोगों में से जो थोड़े बड़े हैं जिन्होंने साहिर के मुशायरे देखे हैं या बुलाया है या वो मुशायरे में शिरकत की है, देखा है, उसको जाना है अमृतसर, उसको जाना है हैदराबाद, उसको जाना है बुरहानपुर मुशायरे में, कार में जाता था माँ को लेके, वो बिना माँ के सफर ही नहीं कर सकता था। इतना स्ट्रेंज सिचुएशन, इट्स नॉट नॉर्मल। और कौन आदमी, ऐसा नहीं कि कोई स्पाइनलेस वीक सा आदमी, अ मैन हु वुड स्टैंड अप अगेंस्ट एनीबॉडी एनी पावर। उसने ऐसे ऐसे एडवेंचर्स काम किए हैं जिंदगी में कि अच्छे अच्छों की हिम्मत ना हो। उसने प्यासा रिलीज हुई और उसी साल रिलीज हुई नया दौर, नया दौर का म्यूजिक डायरेक्टर था वो पी नैयर, प्यासा का म्यूजिक डायरेक्टर था एसडी बर्मन, ये बादशाह लोग थे, सुपर सॉन्ग राइटर बेचारे की उस जमाने में कोई इज्जत ही नहीं होती थी। इसने कहा तुम लोग हो कौन, तुम क्या समझ रहे हो तुम्हारी ट्यून पे गाने चले, पागल हो तुम, ये मेरे वर्ड चले। उसने टॉप सिंगर्स को बोल दिया तुम लोग क्या समझते तुम्हारी आवाज पे मेरे गाने चलते हैं, अगर तुम्हारी आवाज पे मेरे गाने चलते मैं गाना छोड़ के पान की दुकान लगा लूंगा। ये रियल, मैं नाम नहीं लेना चाहता उन सिंगर्स का। और बरसों जो जितने बड़े म्यूजिक डायरेक्टर थे साहिर के साथ काम नहीं किया उन्होंने, और साहिर ने उनके साथ काम नहीं किया, उसने नए म्यूजिक डायरेक्टर लिए, अपना एन दत्ता, खयाम, जयदेव, और इनके साथ सुपरहिट गाने दिए। तो डिमोरलाइज हो गई फिल्म इंडस्ट्री, उसे जो बड़े बड़े सिंगर थे उन्होंने इसका गाना छोड़ दिया, तो छोटे सिंगर लेके गए वो भी सुपरहिट हो गए। तो अल्टीमेटली उसने अपनी पोजीशन इतनी पावर से मनवाई, उसने जो मिनिस्टर इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के स्टेज पे बैठे थे जब गालिब का 100th वो उन्होंने डेथ एनिवर्सरी मनाई थी, तो उस पे जो उसने खड़े होकर पोएम पढ़ी वो बड़ी हिम्मत की पोएम थी। जैसे क्या ड्रामे कर रहे हो तुम लोग, उर्दू तो तुमने खत्म कर दी, गालिब का जश्न कर रहे हो, इसका मतलब ये था। गालिब जिसे कहते हैं उर्दू का ही शायर था, उर्दू पे सितम करके गालिब पे करम क्यों, ये तो अभी क्या हिम्मत चाहिए होती है ना ये सारे काम करने के लिए, और आदमी सोचता है कौन पंगा ले भाई। ये आदमी माँ के सामने और माँ के साथ, तो एक अजीब सा कैरेक्टर था। अच्छा दर्जा दिल्ली पे आए तो घर लुटाते, और कभी किसी उसमें तलखी में और किसी गुस्से में और ये किसी चिड़ में आ जाए
तो ऐसी जगह हिट करे कि कोई शरीफ आदमी तो नहीं करेगा, वो भी है। तो दोनों चीजें उस आदमी के अंदर मौजूद थी, वो एक आदमी था ही नहीं, वो कई आदमी अंदर थे उसके। ये जो फिल्म इंडस्ट्री में लिरिसिस्ट और राइटर की डिग्निटी की जो आपने बात करी कि उसके लिए उन्होंने पंगा, आपने लफ्ज इस्तेमाल किया, ले लिया, वो काफ़ी हद तक तो आपने भी वो पंगा लिया, और कॉपीराइट अमेंडमेंट एक्ट वगैरह के सिलसिले में आपकी जो खिदमात रही हैं। एक सवाल मैं आखिरी, पहले ऑडियंस से सवाल पूछने से पहले एक जसारत ये करना चाह रहा हूँ कि आजकल साहब एक ये ट्रेंड चला है कि अक्सर लोग ये कह रहे हैं कि साहिर साहब की ने अपनी आखिरी उम्र में जब बहुत ज़्यादा उनको एक शराब नोशी की लत थी, तो अपनी शायरी, अपना कलाम लिखने के लिए उस ज़माने के और कुछ बड़े बड़े शोरा से भी मदद ली। क्या ये बात सही है? यह हो सकती है सही? कई शोरा को से मदद ली? अरे देखिए क्या होता है, कामयाब आदमी के बारे में हर तरह की बातें होती हैं। अब वो जब तक के उसका कोई बाकायदा सबूत ना हो तो उन पर यकीन करना गैर ज़रूरी है। जी बहरहाल, अब ऐसा वो लोग बोलते हैं कि ये प्ले शेक्सपियर के लिखे हुए नहीं थे, ये प्ले फलां ने लिखे थे, और बेकन ने लिखे थे, और इसने लिखे थे, उसने लिखे। हमारे लिए शेक्सपियर कौन है? शेक्सपियर वो है जो एक वो वहाँ एक शहर में रहता था इंग्लैंड के, ग्लोब थिएटर का मालिक था। शेक्सपियर हमारे लिए वो है जिसने प्ले लिखे हैं। अब वो जिसने भी लिखे हैं वही शेक्सपियर है। तो ये गाने साहिर के हैं। अब कल को कोई कहता कि वो साहिर ने किसी से लिखवा लिए थे, ये गानों का ब्रांड साहिर है। अब किसने लिखे थे किसने नहीं लिखे थे वो तो ना आप पता लगा सकते हैं ना मैं, मगर हम इन गानों को साहिर के ही गाने कह सकते हैं, और हम उस साहिर की इज्जत करते हैं जिसके ये गाने हैं। अगर कोई और भी साहिर था तो वो भी सही। मेरा ये आखिरी सवाल है और फिर मैं ऑडियंस से क्वेश्चन ले लेता हूँ कि जो फिल्मों की जो इंडस्ट्री हमारे यहाँ बॉलीवुड सिनेमा, वो बहुत ही एक इम्पैक्टफुल मीडियम है। मेरे ख्याल से जितना इम्पैक्ट आम आदमी पे सिनेमा का है उतना बहुत ही कम किसी और मीडियम का उतना होगा इम्पैक्ट। आपको नेहरू की ट्रिस्ट फॉर डेस्टिनी तो याद नहीं होगी, लेकिन शोले के डायलॉग और प्यासा के गाने ज़रूर याद होंगे। तो आपको लगता है कि आजकल का जो लिरिसिस्ट है, जो सॉन्ग राइटर है, जो माहौल आजकल चल रहा है जिस तरह का मुल्क में, क्या वो अपनी जिम्मेदारी, अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को उस तरह से निभा रहा है या किसी हद तक निभा रहा है जिस तरह से साहिर जैसे कलाकार ने निभाया? देखिए साहिर ने कोई आइसोलेशन में नहीं निभाया। एक फिल्म बन रही थी फिर सुबह होगी, उसमें ये सिचुएशन थी जिसमें वो ये गाना लिख सकता था, वो सुबह कभी तो आएगी। अगर फिल्म बनेगी जिंदा जला दूंगा तो उसमें वो सुबह कभी तो आएगी नहीं लिखा जा सकता। बात क्या है कि उस वक्त जो फिल्म मेकर थे, जो फिल्म का कंटेंट था, उसमें ये सोशियो पॉलिटिकल अवेयरनेस थी और उसको मिडिल क्लास ओन करता था। मिडिल क्लास ओन करता था इसलिए थी। आज मिडिल क्लास में एक सिनिसिज्म है, मिडिल क्लास में इंडिफरेंस है सीरियस प्रॉब्लम से, इसलिए फिल्मों में आपको ये प्रॉब्लम दिखाई नहीं देते। तो मेरा यह ख्याल है कि ज़रा आप सोचिए कि आज से 40 साल पहले, 50 साल पहले जो लोग थे उन्होंने 2 बीघा ज़मीन को शहर में क्यों हिट कराया था, क्यों चली थी 2 बीघा ज़मीन। आज अगर 2 बीघा ज़मीन बने एक किसान की मुफलिसी पे जिसकी 2 बीघा ज़मीन भी उससे छीन ली गई, तो क्या वो सुपरहिट फिल्म होगी? नहीं होगी। लोग आजकल अपनी ज़ात में इतने गुम हैं और खुश हैं, और अगर कुछ जिम्मेदारी समाज की तरफ दिखाना भी चाहते हैं तो सबसे आसान तरीका है कि भाई कोई किसी से नफरत करने लगो तो ऐसा लगेगा सच्चे हिंदुस्तानी हो। तो इसके अलावा तो कोई मुझे दिखता नहीं सोसाइटी में कोई कमिटमेंट। मैं कई जगह जाता हूँ तो मैं पूछता हूँ कि डू यू लव इंडिया, तो सब यस वी लव। मैं और कहाँ है, कहाँ इंडिया कहाँ है, ये तुम्हारे घर के सामने जो सड़क है जिसमें गड्ढे हैं और वो नाली जो टूटी हुई है वो इंडिया है कि नहीं है?
तुम इतना सा इंडिया तुम्हें मिला है वो भी ठीक नहीं कर रहे हो तुम. जो तुम्हारा एनवायरनमेंट है, आर यू डूइंग समथिंग फॉर दैट एनवायरनमेंट? या इंडिया सिर्फ बॉर्डर्स पे है जहां हमारे बहादुर जवान खड़े हुए हैं? क्या है? तो ये तो खोखलापन है हमारे समाज में. तो अब आप चाहते हैं कि समाज में खोखलापन रहे, फिल्में बड़ी मीनिंगफुल बने, ऐसा कैसे होगा भाई? तो वो सुबह कभी आएगी क्या सर? वो तो आप ही लाएंगे इंशाल्लाह. वकीलों का बड़ा रोल होता है भाई सुबह लाने में. लेकिन लेकिन आज प्रॉब्लम ये हो गई है कि वकीलों का रोल तो है लेकिन जजों का भी रोल है साहब, ये प्रॉब्लम हो गई है जरा. तो कुछ सवाल ले लिए गए सर ऑडियंस से? जरूर. आपने जिक्र किया साहिर की मदर के रोल का, कि उनकी लाइफ में कितना बड़ा रोल वो प्ले करती थी और साहिर किस तरह से हर चीज़ के लिए अपनी मदर से कन्फर्मेशन लेते थे. साहिर की लाइफ का एक हिस्सा उनका ज़ाती हिस्सा था जिसमें बहुत सी खातूनों के साथ उनके रिश्ते बने और वो काफ़ी कुछ पब्लिक भी हुए. तो आपकी नज़र में क्या उन सब चीज़ों के लिए भी वो उसको शेयर करके और उसको करते मैं आखिरी हिस्सा सुन नहीं सका. ये कह रहे हैं कि इसमें रोल था तो अपनी माँ को ही सब कुछ मानते थे. देखिए ये जवाब तो मेरे ख्याल है मुझसे बेहतर कोई साइकोलॉजिस्ट दे सकेगा. लेकिन ऐसा मानते हैं, कहा जाता है, इस केस में कितना सही है गलत है मैं नहीं कह सकता, लेकिन इतना इन्फ्लुएंस लड़के पे, मेल चाइल्ड पे अगर माँ का हो और इतनी गहरी ग्रिप हो तो उसकी रिलेशनशिप जो विद अदर वेमेन डिस्टर्ब होती है. Right. वो नेचुरल है, इसलिए कि वो माँ उसके जहन पे छाई होती है. सर मैं भिवंडी से तशरीफ फरमा हूँ. तशरीफ फरमा भिवंडी महाराष्ट्र. आपके पड़ोस से आया हूँ. मेरा सवाल ये है, आपने अच्छा किया कि अपना एड्रेस मुझे दे दिया वरना मैं बड़ा कंफ्यूज होता. चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों. सर मैं इसके पीछे का फलसफा जानना चाहता हूँ, इसलिए कि आप साहिर से बहुत करीब रहे हैं. मेरे ख्याल से नहायत ही माकूल नज्म है ये, जहाँ बात यहाँ ख़त्म होती है कि तारुफ रोग बन जाए तो उसको भूलना बेहतर, ताल्लुक बोझ बन जाए तो उसको तोड़ना अच्छा, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा. मैंने तो आज तक डिवोर्स पे से इससे अच्छी नज़्म नहीं सुनी. काफ़ी लंबी गुफ्तगू हुई है लेकिन अमृता और साहिर के बारे में, और स्पेशली वो पार्ट जिसके बगैर साहिर और अमृता पूरे नहीं होते, और उसमें एक स्पेसिफिक बात मैं पूछना चाहूँगा जो एक क्वेश्चन सब लोगों के बीच में है कि जब साहिर उनके घर आते थे तो सिगरेट पीते थे, आधी सिगरेट वो बुझा देते थे. हाँ जी, जी. तो वो कहा है कि अमृता उस सिगरेट को छूती थी और उसको महसूस, साहिर को महसूस करती थी उनके जाने के बाद. या कुछ लोगों से ये भी सुना, भी वो आप बता सकते हैं, कि शायद वो सिगरेट को होठों से लगा के पीती भी थी अमृता और साहिर. थैंक यू. खैर ये तो अच्छी बात है, कोई चीज़ वेस्ट नहीं करनी चाहिए. सर बाकी मेरे भाई मैं आपको एक बात बताऊं, और ये बात आपको कोई बताएगा नहीं. ये बड़े लोग जो होते हैं इनकी ज़िंदगी में एक सच्ची मोहब्बत होती है और वो होती है अपने आप से. ये सिर्फ अपने आप से सच्ची मोहब्बत करते हैं, लेकिन पर्सनैलिटी को डेकोरेशन के लिए बहुत सी चीज़ें चाहिए होती हैं. सिर्फ अच्छे कपड़ों से काम नहीं चलता. तो आप छोटे छोटे एनेक्डोट अपनी ज़िंदगी में पैदा करते हैं जो आपकी ज़िंदगी को और चार्मिंग और फैसिनेटिंग बनाए.
जो लोग सुने तो कहें क्या बात है यार, अजीब ही जिंदगी थी। ये लोग सिर्फ अपना फ्यूचर नहीं बनाते, ये अपना पास्ट भी बनाते हैं। सर ये याद रखो, लेट्स नॉट गेट कॉन्ड। साहिर की जिंदगी में ऐसे बहुत से एपिसोड हुए हैं और अमृता प्रीतम की जिंदगी में भी हुए हैं। हम बेवकूफ अकीदत से सुनते हैं वो कहानियां। ये सब पर्सनैलिटी को सजाने के काम है, समझे आप? किसने रोका था उन्हें? खुद साथ रहने लगते, कौन रोक रहा था उन्हें? कोई उन्हें जेल भेज देता? नहीं। ये जो है इसमें अच्छा एंड यही है कि नाकाम हो, उसमें एक दर्द पैदा होता है। तो आपकी एक तरफ शोहरत भी है, नाम भी है, पोजीशन भी है, और आपको ये भी मालूम है कि इसके कुछ अजीब से गम भी हैं। गम बड़े प्यारे होते हैं, और गम से पर्सनैलिटी में क्या जब डेप्थ आती है, तो ये बात वो लोग समझते थे, तो उसको आप ज़्यादा सीरियसली मत लीजिए। मुझसे बहुत से लोगों ने कहा था कि इस किस्म का सवाल मैं पूछूं, मैंने इसी जवाब के डर से नहीं पूछा। जी सब किससे कहानियां हैं यार इसमें, कि बहुत नाकाम थे, बहुत दुखी थे, कोई दुखी उखी नहीं थे। और दुखी होना भी बहुत जरूरी है, वरना आप अट्रैक्टिव नहीं लगता आदमी जब तक उसमें कुछ गम नहीं हो। सर एक सवाल ये पूछना था जी, कि एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल, हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक, क्या आप इससे सहमत हैं? नहीं, मैं, लेकिन कोई ऐसा भी नहीं है कि मैं झगड़ा करने को तैयार हूँ। नज्म बहुत अच्छी है, और मैं नज्म मुझे बेहद पसंद है, लेकिन मुझे ताजमहल भी बहुत पसंद है। और ताजमहल ने जहाँ इतने अच्छी अच्छी खूबियाँ हैं, एक खूबी है कि इतनी अच्छी नज्म भी लिखवा दी उसने। नमस्ते सर, मैं ये पूछना चाह रही थी आपसे कि साहिर साहब ने जो लिखा कि जंग तो खुद ही एक मसला है, मसलों का हल क्या देगी, तो वर्तमान परिस्थितियों में साहिर साहब की प्रासंगिकता और अधिक कितनी बढ़ जाती है? साहिर साहब की रेलेवेंस आज के समय में कितनी है? जी हां, जंग वाली तो आज कैसे, आज की रेलेवेंस आज कितनी रेलेवेंट है? वो नज़्म हमेशा रिलेवेंट रहेगी, इसकी ए शरीफ इंसानों उनकी एक पोएम है, तो उसमें है कि टैंक आगे बढ़ें, फतेह का जश्न हो कि हार का शोक, जिंदगी मैयतों पे रोती है, टैंक आगे बढ़ें कि पीछे हटें, कोक धरती की बांझ होती है। तो हम लोग तो जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी, आग और खून आज बख्शेगी, भूख और एहतियाज कल देगी। तो इसलिए है शरीफ इंसानों, जंग चलती रहे तो बेहतर है, आपके मेरे सबके आंगन में शमा जलती रहे तो बेहतर। हम लोग तो ये तो जब तक दुनिया में जंग है तब तक ये पोएम रेलेवेंट है। जी एक आखिरी सवाल, आखिरी सवाल जी, आज के हालात देखते हुए आज के शायर चुप क्यों हैं? आज के शायर चुप क्यों हैं आज के हालात देखते हुए? मेरे भाई आपका जो डिमांड है वो बहुत जायज़ है, लेकिन हकीकत ये है कि जो 50s में 60s में शायरी की जो रीच थी आज वो नहीं है। ऐसा नहीं है कोई शायर ने कुछ लिखा ही नहीं है, लिखा भी है उन्होंने, लेकिन वो कितनों तक पहुंचता है? आज कितने लोग हैं जो मैगजीन जिनमें पोइट्री छपती है उसे पढ़ते हैं, कितने लोग हैं जो ऐसे कवि सम्मेलन में या मुशायरे में जाते हैं या पोइट्री में इंटरेस्टेड है? उनकी पोइट्री की इंटरेस्ट जो है वो सिर्फ गाई हुई गज़लों से है। पोइट्री कागज़ पे पढ़ना या सिर्फ सुनना ये उनकी दिलचस्पी नहीं होती है। तो है क्या कि पोइट्री का भी जो स्फीयर है वो सिमटा है बहुत, एक दूसरे की ये सन्नाटा जो है जिसकी आप बात कर रहे हैं अगर है तो फिर हर जगह है। जो लोग हैं जिन्हें आवाज़ उठानी चाहिए वो क्या सब आवाज़ उठाते हैं? जो उनका गिला है, जो दिल में महसूस करते हैं, क्या वो बोल रहे हैं? नहीं। मैंने तो इसीलिए लिखा है कि जो बात कहते डरते हैं सब, तू वो बात लिख।
इतनी अंधेरी थी न कभी पहले रात लिख। बाकी भी दो शेर तीन शेर और भी तीन शेर दो शेर सुना दीजिए। जो रोजनामों में, रोजनामों कहते हैं न्यूज़पेपर, जो रोजनामों में कहीं पाती नहीं जगह, जो रोज हर जगह की है वो वारदात लिख। और जो वाकयात हो गए उनका तो जिक्र है, लेकिन जो होने चाहिए वो वाकयात लिख। तो ऐसा नहीं है, खैर मैं तो क्या, बहुत सारे लोग लिख भी रहे हैं, लेकिन वो कितनी दूर तक पहुंचता है ये देखने वाली बात। फिर भी दुनिया में, लेट्स बी ऑनेस्ट, किसी पोएम ने, किसी गजल ने इनकलाब नहीं कर दिया है। ये तो स्लोगन हैं, आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो इनकलाब अगर आपको कोई चाहिए, कोई बड़ी तब्दीली परिवर्तन चाहिए, तो वो तो आपके अपने जोश और आपकी अपनी कोशिश से होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। देखिए, साहिर एक बहुत प्रॉफिटिक शायर था, कल और आएंगे नख्मों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले, कल कोई मुझको याद करे, क्यों कोई मुझको याद करे, मसरूफ जमाना मेरे लिए क्यों वक्त अपना बर्बाद करे। इस प्रोफेसी को साहिर की आज आप सब लोगों ने जो है गलत ठहरा दिया, क्योंकि मसरूफ तर जमाना उनको याद कर रहा है यहाँ बैठे हुए सुबह से, और जावेद अख्तर साहब तशरीफ रखते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, और बहुत शुक्रिया आप सबका, रेख्ता का बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।